तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी यहाँ पर यूपीपीसीएल के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन को कर रहे थे, जिसमें कि दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और 50 क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं। तो हर वीडियो में आपको जो है 25 क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, एमएस वर्ड 2016 में वर्तनी की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में जो है वर्तनी, यानी कि वर्तनी वर्ड को जांचने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस जे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है कंट्रोल प्लस जे का उपयोग जो है जस्टिफाई करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर वेब पर एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करने को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं वेब सफरिंग, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन को हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट चयनित टेक्स्ट को जो है बोल्ड करता है। तो बोल्ड करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कीबोर्ड कीज जिन पर एरो होते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा जिस की पर जो है तीर के निशान होते हैं उसे कहते हैं नेविगेशन की, उसे क्या कहते हैं, नेविगेशन की कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, विंडोज़ 10 में सबसे नीचे जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। विंडोज़ 10 में जो सबसे नीचे वाली स्क्रीन होती है, जिसमें कि जिसमें आपको जो है सभी प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम आपके खुले होते हैं वो सब दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है विंडोज़ का बटन दिखाई देता है। इसके अलावा जो है सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है। तो इसे कहते हैं टास्क बार, क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंबर कीपैड पर इनमें से कौन सी कुंजी नहीं होती है। जो नंबर कीबोर्ड होता है जिस पे जो है नंबरिंग लिखी होती है, तो 1 2 3 4 5 तक, यहाँ पर 9 तक होता है, 0 होता है। इसके अलावा जो है नमलॉक का बटन रहता है, इंटर का बटन रहता है, डेल का बटन रहता है, लेकिन जो है कंट्रोल का बटन नहीं होता है। कंट्रोल का बटन जो है आपको कीबोर्ड के सबसे बाएं किनारे पर सबसे नीचे होता है, कंट्रोल का बटन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां है, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से जो है संबंधित नहीं है। कौन सा यहाँ पर जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर है सर्चिंग जो है फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, मेलिंग टैब को खोलने के लिए किस कुंजी का संयोजन क्या होता है। मेलिंग टैब को अगर आपको डायरेक्टली खोलना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, अल्ट प्लस एम का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। कौन सी साइट जो है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। याहू क्या है, सर्च इंजन है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है, इंस्टाग्राम क्या है, एक ब्लॉगिंग साइट है लेकिन जो है बड़ी साइट है, ट्विटर जो है यहाँ पर छोटी ब्लॉगिंग साइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, स्लाइड शो में आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जो है कैसे जा सकते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो में एक स्लाइड से आप दूसरे स्लाइड पर कैसे जा सकते हैं, उसके लिए जो है आप बाई माउस पर जो है क्लिक करके जा सकते हैं। अगर आपको पीछे आना है तो दाई माउस का प्रयोग, यहाँ पर दाई माउस के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आगे जाना है उसके लिए जो है माउस के बाई बटन पर जो है क्लिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर, नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है।
एमएस वर्ड में नई फाइल को बनाना है तो उसके लिए जो है कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, तो उसके लिए जो है फाइंड का ऑप्शन जो है सबसे आसान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है कंट्रोल प्लस एफ का यूज भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एफ का भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में वस्तुओं के बीच तुलना को चित्रित करने के लिए किस चार्ट का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है, तो वस्तुओं के बीच की तुलना करना है उसके लिए जो है किसका उपयोग करेंगे, कॉलम चार्ट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और कॉलम चार्ट को जो है इंसर्ट करने के लिए जो है आप एम एस एक्सेल के इंसर्ट टैब पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है ये सभी चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एम एस पावर पॉइंट में चार्ट विकल्प किस टैब में अंतर्गत आता है, तो चार्ट विकल्प का ऑप्शन जो होता है ये इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप एक्सेल फार्मूला लगाएंगे इवन का तो यहाँ पर -15 दिया गया है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -16। तो यहाँ पर अगर आप इवन का फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर जो भी संख्या दी गई होती है उसमें जो है एक ऐड हो जाता है लेकिन वो संख्या जो है यहाँ पर माइनस ही रहती है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, -16 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ऑड है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, ऑड में जो है प्लस आ जाता है और इवन में जो है माइनस ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सत्य या फिर असत्य आपको बताना है, तो आपके सामने है पहला एचटीपीपी और एचटीपीपीएस दोनों जो है एक ही होते हैं, तो एचटीपीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये सिक्योर होता है और ये सिक्योर नहीं होता है, दोनों जो है एक ही तकनीक के होते हैं, तो यहाँ पर ये गलत है। एचटीपीपी एक ब्राउजर है तो ये भी गलत है, ब्राउजर नहीं होता है बल्कि जो है ये प्रोग्रामिंग होती है, तो यहाँ पर ये भी गलत है, दोनों जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, एमएस एक्सेल में सिंबल बटन का इस्तेमाल उन संकेताक्षरों को इंसर्ट करने के लिए किया जा सकता है जिसका आपको जो है कीबोर्ड पर मौजूद नहीं होता है, तो सिंबल बटन का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, अगर आपने देखा होगा कीबोर्ड में सभी जो है की नहीं होती हैं तो उसके लिए जो है सिंबल बटन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ये राइट है। अगला है, चित्र मूवी और ध्वनियाँ जैसे विकल्प आर्ट का एक्सेल शीट में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये यहाँ पर गलत है, इसको जो है इंसर्ट किया जा सकता है, एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब पर जाकर जो है इन सभी को इंसर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए जो है आप किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कॉपीराइट का चिन्ह देख सकते हैं ये होता है, इसको बनाने के लिए जो है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर वेब क्रॉलर क्या है, तो वेब क्रॉलर जो है एक प्रकार का एक वेबसाइटों को क्रमबद्ध करने वाला जो है एजेंसी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कुंजियों में से कौन सी कुंजी जो है टॉगल कुंजी नहीं होती है, कौन सी कुंजी यहाँ पर जो है टॉगल कुंजी नहीं होती है, तो कंट्रोल कुंजी जो है टॉगल कुंजी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एमएस एक्सेल दस्तावेज को जिस फाइल के रूप में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्कबुक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सभी वर्ग सीटों को मिलाकर क्या बनता है, वर्कबुक बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग और एनालॉग को जो है डिजिटल में बदलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम जो है एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को जो है एनालॉग में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है, तो सर्च इंजन इसमें से कौन सा है, बींग एक सर्च इंजन है, ऑरकुट जो है ब्राउजर है, ओपरा ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ब्राउजर है, तो बींग क्या है, सर्च इंजन है, इसके अलावा जो है याहू गूगल ये सभी क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉक कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस आई का उपयोग जो है इटैलिक करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, बोल्ड करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 25वां है, एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब को खोलने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का उपयोग कर सकते हैं, तो इंसर्ट टैब को खोलने के लिए जो है यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, अल्ट प्लस एन का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी जल्दी हमने जो है इसको करा दिए हैं, और काफ़ी जो है स्टूडेंट इसकी डिमांड कर रहे थे कि क्वेश्चन को फास्ट कराइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट नंबर 4 के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।